पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक लोकल गैर धार्मिक सभा या यूं कहें कि वहां की खाप पंचायत शलीशी ने एक महिला के खिलाफ तालिबानी फरमान सुनाया है। पंचायत ने महिला के किसी दूसरे व्यक्ति से अवैध संबंध होने की शिकायत पर सुनवाई करते हुए उसके पति को मजबूर किया कि वो सजा के तौर पर अपनी पत्नी के बाल काट दे। दरअसल मुर्शिदाबाद के चांदपुर गांव में शलीशी सभा ने एक 32 साल की महिला पर गैर मर्द के साथ संबंध का आरोप लगाया था। सभा ने सजा के तौर पर सम्मान की कीमत के रूप में महिला और उसके पति को 6,000 रुपए जमा करवाने को कहा था। दंपत्ति ने जैसे तैसे 1,000 रुपए जमा किए और सभा को कहा कि बाकी का जुर्माना माफ कर दिया जाए, लेकिन सभा ने ऐसा करने से इनकार करते हुए पति को मजबूर किया कि वो अपनी पत्नी के सर के बाल काट दे। रविवार को हुई बैठक में सभा ने पति को सबके सामने अपनी पत्नी के बाल काटने को मजबूर कर दिया। इसके बाद महिला ने नोवदा पुलिस थाने में सभा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। हालांकि शिकायत के बाद पुलिस ने पंचायत के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शलीशी पश्चिम बंगाल की एक गैर धार्मिक संस्था है जो इससे पहले भी कई विवादित फैसले दे चुकी है, जिनमें महिलाओं के साथ दुष्कर्म, कुचलने और बिना कपड़ों की परेड जैसे आदेश शामिल हैं।